रविवार की शाम होते होते पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में आसमान पर घने काले बादल छा गए और इसके बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। इस बारिश ने न सिर्फ मौसम को खुशनुमा बना दिया बल्कि लू और चिलचिलाती गर्मी से परेशान लोगों को भी बड़ी राहत दी है। बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने वातावरण को ताजगी से भर दिया। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कुछ जिलों जैसे मधेपुरा, अररिया और किशनगंज में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आंधी और बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। वहीं अरवल, गया और नवादा जिलों में भारी बारिश के साथ साथ तेज आंधी चलने की भी संभावना बनी हुई है। राजधानी पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी मानसून सक्रिय रहेगा और बीच बीच में भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। लगातार हो रही बारिश से शहर का मौसम ठंडा और सुहावना बना रहेगा। रात के समय हुई हल्की फुल्की बारिश ने सुबह के समय मौसम में हल्की ठंडक घोल दी, जिससे लोगों को गुलाबी ठंड का अनुभव हुआ। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मानसून की धारा पंजाब के फिरोजपुर, पटियाला, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और बलिया होते हुए बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है। यह धारा गंगा पश्चिम बंगाल के निम्न दबाव केंद्र तक फैली हुई है, जिसकी वजह से बिहार के विभिन्न इलाकों में बारिश होने की संभावना प्रबल हो गई है। सोमवार को इस मानसूनी प्रभाव के कारण राज्य के 19 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इन जिलों में पटना के साथ साथ छपरा, सिवान, जहानाबाद, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली और गोपालगंज भी शामिल हैं, जहां हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। उत्तर बिहार के अन्य हिस्सों में भी मौसम विभाग ने हल्की बारिश और बादलों से ढके आसमान की भविष्यवाणी की है। लगातार बदलते मौसम के कारण इन इलाकों में तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का भी गिरावट आ सकता है, जिससे मौसम और भी सुहावना हो जाएगा। यह बारिश और तापमान में गिरावट न केवल कृषि कार्यों के लिए अनुकूल साबित होगी बल्कि लोगों को गर्मी से निजात दिलाने में भी मददगार होगी। इस मौसम परिवर्तन ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, क्योंकि बारिश की वजह से खेतों में सिंचाई की जरूरतें पूरी हो रही हैं और फसलें बेहतर तरीके से पनप रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, खासकर उन इलाकों में जो अब तक कम बारिश का सामना कर रहे थे। वहीं पटना और बिहार के अन्य हिस्सों में मानसूनी बारिश से होने वाली यह ठंडक लोगों के लिए एक ताजगी भरा एहसास लेकर आई है। रुक रुक कर होने वाली यह बारिश न केवल धरती को सुकून पहुंचा रही है बल्कि शहर की सड़कों और गलियों को भी साफ सुथरा बना रही है।